नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरी टेम्पररी अकोमोडेशन या व्हाइट रॉक बीसी में। आज आपको दिखाएंगे टू बेडरूम बेसमेंट टूर, और आपको इस पूरी वीडियो में ये भी बताएंगे कि अगर आप अकोमोडेशन देख रहे हो या फिर आप रेंटल कोई घर, अपार्टमेंट या फिर बेसमेंट देख रहे हो, तो क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस बेसमेंट का टूर। और गाइज, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करो। तो चलो अब शुरू करते हैं वीडियो। तो अब स्टार्ट करते हैं गाइज इस टू बेडरूम वॉकआउट बेसमेंट का टूर। यहाँ से मेन एंट्रेंस है, आप सामने देख सकते हो, पीछे बैकयार्ड दिख रहा है, तो इसीलिए इसको वॉकआउट बेसमेंट कहते हैं कि बेसमेंट से निकलते ही आपको वॉकआउट बाहर गार्डन का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ही आप अंदर आओगे, यहाँ सामने आपको पूरा मिलेगा लिविंग एरिया। तो एक काफ़ी अच्छी स्पेस है, ऑलमोस्ट 850 स्क्वायर फीट की ये बेसमेंट है। तो यहाँ पर आप बना सकते हो एक डाइनिंग एरिया। देखो, 4 सीटर डाइनिंग टेबल रखी हुई है, काफ़ी स्पेस यहाँ पर डाइनिंग एरिया में आपको मिलेगी। बेसमेंट्स में यूजुअली क्लोज़ेट एरिया नहीं होता, तो आपको शूज़ और जैकेट्स रखने की स्पेस नहीं मिलेगी। तो आप ऐसे यहाँ विंटर में ट्रे और ये मैट रख सकते हो, ताकि बेसमेंट गंदी ना हो। और इस एरिया में आप प्रीटी मच ऐसे कुछ लाउंज एरिया टाइप बना सकते हो। और सामने आपको मिलेगी ये पूरी किचन, जिसमें आपको अप्लायंसेस मिलेंगे। 4 स्टोव, यहाँ पे गैस बर्नर मिलेगा, डबल बोल सिंक है। इस बेसमेंट में डिश वॉशर नहीं है, तो आप ऐसे डिश के लिए एक ड्राई करने के लिए ट्रे ला सकते हो। ये बाकी पूरी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे चिमनी भी लगी हुई है। और सामने यहाँ आपको मिलेगा एक फ्रिज, और नीचे वॉशर और ड्रायर यहाँ पे सेट लगा हुआ है लॉन्ड्री का। यहाँ से एक्सेस होता है ओनर का, तो वो अलग हो जाता है। और माइक्रोवेव अलग से आप ले सकते हो, यूजुअली बेसमेंट्स में माइक्रोवेव नहीं होता। तो ये है पूरा लिविंग, प्लस आप देखो 850 स्क्वायर फीट स्पेस है, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। यहाँ सामने आपको मिलेगा एक फुल बैथ, तो ये पूरा फुल बैथ दिया हुआ है। पूरी इस बेसमेंट में हीटेड फ्लोरिंग है। और आपको पूरी बेसमेंट में 9 फीट सीलिंग मिलेगी, तो लाइट फिक्स्चर्स काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। यूजुअली बेसमेंट में लाइट की बड़ी परेशानी होती है, बट इस बेसमेंट में लाइट काफ़ी अच्छी है। ये है फर्स्ट बेडरूम इस बेसमेंट का। यहाँ आप बीच में एक क्वीन बेड लगा सकते हो, किंग बेड भी लग जाता है, बट वो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। और सारी साइड पे विंडोज दी हुई हैं, तो ये आपको बाहर का गार्डन व्यू दिखेगा। वाइट रॉक एरिया में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है आसपास, तो आप जैसे देखो बेसमेंट से भी सारा ग्रीन दिख रहा है। ये थोड़ी बहुत फिनिशिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई हुई, ये काम के स्टिकी नोट्स लगाए हुए हैं। और ये एक छोटा वर्क स्टेशन, ये है क्लोज़ेट गाइस, और पहले से रैक्स बने हुए हैं, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब आपको दिखाते हैं सेकंड बेडरूम इस बेसमेंट का। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरी टेम्प्रेरी अकोमोडेशन है। तो ये है मेरा ऑफिस स्पेस, यहाँ हमने टीवी लगाया हुआ है, ये सारा एडिटिंग का एरिया, और सामने भी विंडो दी हुई है। तो ये है सेकेंड बेडरूम, इसमें भी काफ़ी स्पेस आपको मिल जाती है। आप इसमें एज एक बेड की तरह, मैं यूज़ कर लेता हूँ इसको। और पूरी फ्लोर हीटिंग पूरी बेसमेंट में दी हुई है, और 9 फीट सीलिंग, सेंटर में अच्छा लाइट फिक्स्चर लगा हुआ है। तो ये है गाइस पूरा बेसमेंट का टूर व्हाइट रॉक बीसी में। सो गाइस, ये था इस 850 स्क्वायर फीट बेसमेंट का पूरा टूर, जिसमें आपको मिलेंगे 2 बेडरूम 1 फुल बैथ और एक किचन एरिया, जिसमें आपको सारे अप्लायंसेस ऑलरेडी मिलेंगे। आई होप आपको ये टूर पसंद आया होगा। अब कुछ बात करते हैं कि अगर आपको रेंटल ऑप्शंस देखने हैं यहाँ पर किसी भी प्रोविंस में, तो आप कैसे देख सकते हो। मुझे ये ऑप्शन मिला है फेसबुक मार्केट प्लेस से। बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस और किजीजी, रेंट फास्टर, आपको वो सारी वेबसाइट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस 1700 में आपको सारी यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड मिलेगी। यूजुअली बेसमेंट्स के साथ ही एडवांटेज आती है कि उस प्राइस में आपको सारी यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड मिलती है।
प्लस आप प्लस ये जो एरिया है यहाँ पर बीसी में, वाइट रॉक में, ये एरिया बहुत ही ज़्यादा सेफ एरिया है, तो इसलिए भी एडवांटेज हो जाती है कि अगर आपको अच्छे एरिया में जगह मिल जाए तो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर इस वीडियो के लिए आपको कोई भी फीडबैक हो तो नीचे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। नमस्ते, बाय।